गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओरिएंटेशन इफेक्ट इन डाइल्स एल्डर रिएक्शन, जिसे एक और नाम से जानते हैं, रिजियो सिलेक्टिविटी जिसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हेडिंग हो जाएगी हमारी ओरिएंटेशन इफेक्ट इन डाइल्स एल्डर रिएक्शन, जिसे शॉर्ट में कहते हैं रिजियो सिलेक्टिविटी। तो इसको हम दो केसेस में समझते हैं। सबसे पहला केस है कि जब हमारी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जो हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, वो डाइन के मिडल कार्बन पर प्रेजेंट हो। तो वही लिखा हुआ है केस फर्स्ट में, यह है केस फर्स्ट, वेन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जिसे हम दिखाएंगे डी से, इज प्रेजेंट ऑन द मिडल कार्बन ऑफ द डाइन। तो देखते हैं कैसे हैं, उसको हम एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर ये हो गई हमारी डाइन। अब इसके मिडल कार्बन पर, इसका मिडल वाला कार्बन ये है और ये है। अब इन दोनों में से किसी एक पर भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट हो, चाहे इस पर हो चाहे इस पर हो, दोनों की जब हम स्टीरियो केमिस्ट्री निकालने के बाद जो प्रोडक्ट आएगा हमारा सेम आएगा। इसलिए हम पहले इस पर लेते हैं और यहाँ पर एक डाइनोफाइल लेते हैं जिसके पास लगा हुआ है इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप, जिसे हम दिखाते हैं W से। तो अब यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा हमारा क्या बनेगा, अगर हम बॉन्ड को इस तरह से मूव कराएँ, ये बॉन्ड यहाँ पर और ये वाला यहाँ पर और ये वाला यहाँ पर, तो हमारा बन जाएगा यहाँ से दो प्रोडक्ट बनेगा। पहले ये डाइन यहाँ पर ऐसे ही, डाइन के इधर जो डोनेटिंग ग्रुप लगाया है ये ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये बॉन्ड इधर मूव करेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड, और ये W जो हमारा विड्राइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, ये यहाँ पर आ जाएगा। और इसके साथ एक और प्रोडक्ट बनना चाहिए जो पॉसिबिलिटी हमारी, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप तो वहाँ ही रहे लेकिन ये वाला यहाँ आ जाए। ये कैसे होगा, देखिए ये हमारी डाइन है ये वाली, ये डोनेटिंग ग्रुप यहाँ पर लगा हुआ है। अगर ये ऐसे ही रिएक्ट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नीचे, तो ये ऐसे बांध जब बनेगा तो ये वाला प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा सीधे सीधे। यहाँ तो ये डोनेटिंग ग्रुप, ये विड्रॉइंग ग्रुप, ये इस तरह से बन जाएगा। लेकिन अगर हम इसको घुमा कर कराएँ, इसको ऊपर कर दें, इस वाले को ऊपर कर दें, तब हमारा वो वाला प्रोडक्ट बनेगा, ये इस तरह से हो, और ये विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पर ऊपर लगा दें, इसको घुमा दें, तो यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट बनेगा ये, यहाँ पर ये डाइन रहेगी और ये हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो यहाँ से ये दो पॉसिबिलिटी हमें दिख रही है कि यहाँ पर ये दो प्रोडक्ट बनना चाहिए, लेकिन इसमें से एक ही प्रोडक्ट बनता है, वो कौन सा बनता है, ये वाला, ये है 1,4 प्रोडक्ट, यहाँ तक 1,2,3, ये 4, ये है 1,4 प्रोडक्ट, 1,4 प्रोडक्ट का है, या फिर इसे कह सकते हैं यहाँ से आर्थो मेटा पैरा, ये है पैरा प्रोडक्ट। तो ये दोनों प्रोडक्ट जो होते हैं वो हमारे फॉर्म होते हैं, और ये है 1,2,3, ये है 1,3 प्रोडक्ट, जिसे आप कह सकते हैं यहाँ से देखेंगे आर्थो, ये मेटा, तो ये मेटा वाला, तो ये वाला नॉट फॉर्म, ये वाला नहीं बनता है। या फिर किसी किसी केसेस में देखे होंगे कि जो हमारा आर्थो या पैरा वाला पोजीशन है, ये हमारा मेजर या माइनर, अगर ये बनता होगा तो बहुत ही स्मॉल अमाउंट, बहुत ही कम बनता है, जनरली नहीं बनता है। तो ये हो गया हमारा, ये हमारी हो गई इस तरह से मैंने दिखाया। अभी हम इसका एक एग्जांपल करके देखते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ये वाला बनता है, ये वाला क्यों नहीं बनता है, तो इसको हम समझते हैं एक एग्जांपल से। तो एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, यहाँ से मैं इसको हटा दूँ, तो एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर वही डाइन हमारी रहे ऐसे ही, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाते हैं हम, ओ इधर CH3, और यहाँ पर विड्रॉइंग ग्रुप लगाते हैं हम C" CHO ग्रुप, C" इधर ही आज। तो इधर क्या होगा, तो अभी हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ना, जो इलेक्ट्रॉन है उसका हम इमेजिनरी, जो हम इमेजिन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे फ्लो होकर ये रिएक्शन होगी, तो हम इसको इमेजिन कर सकते हैं सिर्फ। ये इलेक्ट्रॉन जो है इसके लोन पेयर में है, ये इधर इस तरह से बांध बना सकता है, जब इसको एक बांध यहाँ से इस तरह से मिलेगा, तो इसको एक बांध जब अगर मिलेगा तो इसका यहाँ से एक बांध जाना चाहिए। तो अब ये वाला जो बांड है हमारा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, तो अगर आप इसको इस तरह से मूव करेंगे, ये वाला नीचे आए, तो ये वाला वहीं पर रहेगा, यहाँ से इसको एक मिल रहा है, ये इधर से जा नहीं रहा है, तो इधर का अगर इसको जाना है तो इसको इस साइड मूव करना होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इससे मूव करें, ये वाला फिक्स रहे, ये वाला फिक्स रहे, ये वाला बॉन्ड को आप इस तरह से घुमा दें तो इलेक्ट्रॉन इस पर आएगा। तो अभी इसमें दो बॉन्ड हैं,
तो इसको एक मिल रहा है, तो इसको घूमकर इधर आना होगा। जब इधर आएगा तब ये ऑक्सीजन विड्राइंग ग्रुप, ये जो विड्राइंग ग्रुप है हमारा, ये ऑक्सीजन ये सी एच ओ ग्रुप, ये इसे विड्रॉ करेगा। तो यहाँ पर क्या है कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो उसके पास माइनस चार्ज आ रहा है, तो ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है वो एक डायरेक्शन में वो एकदम सही जाकर बैठ रहा है। तो यहाँ पर हमारा एक हाइपोथेटिकल ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। तो ये हमारा बनेगा हाइपोथेटिकल, हाइपोथेटिकल ये आप सिर्फ समझने के लिए बना सकते हैं। तो यहाँ पर अब ये जो माइनस है, तो यहाँ तक ये बन गया, अब ये माइनस अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे, ये यहाँ पर जाएगा, तो ये बॉन्ड मूव होकर इधर आएगा, ये बॉन्ड इधर मूव होकर इधर, तो फिर ये ऑक्सीजन के पास फिर से वापस। तो अब यहाँ पर क्या होगा, तो अब यहाँ पर देख रहे हैं एक बॉन्ड यहाँ पर बनेगा, तो ये सिक्स मेंबर रिंग पूरी बन जाएगी। और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड आएगा यहाँ पर, और ये बॉन्ड इधर मूव कर रहा है तो ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, और यहाँ पर ओ के पास जो प्लस है वो ये लेकर ये बैलेंस हो जाएगा, ये हो जाएगा सी एच थ्री। तो अब यहाँ पर हो जाएगा सी, और नीचे के हो जाएगा ये डबल बॉन्ड ओ, और ये इधर रहा ये एच। तो ये रहा 1, 2, 3, 4, तो ये 1, 4 प्रोडक्ट इसी लिए बनता है, क्योंकि इसमें जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का जो हम इमेजिनरी इलेक्ट्रॉन का फ्लो करा रहे थे वो एकदम ऊपर से नीचे के साइड जैसे जैसे होना चाहिए था वो वैसे वैसे जाकर बैठ रहा है। जो इलेक्ट्रॉन हमारा विड्रॉइंग ग्रुप है वहाँ तक एकदम पहुँच रहा है। अब हम देखते हैं कि ये वाला प्रोडक्ट क्यों नहीं बनता है। तो ये वाला प्रोडक्ट नहीं बनता है, तो इसको हम इस तरह से अगर घुमा कर करें इसको ऊपर करके, तो यहाँ पर करते हैं, ये हमारा और हमारी डाइनोफाइल को हम घुमा दें इस तरह से, ये सी डबल बॉन्ड ओ और इधर ये एच। तो अगर हम यहाँ पर वही इलेक्ट्रॉन का इमेजिनरी जो जिसको हम फ्लो करा कर देखेंगे कि यहाँ पर क्यों नहीं बनता है, तो ये अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे रहा है तो अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देगा, और ये वाला इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा ये इधर नहीं, अब इसमें ये दो इलेक्ट्रॉन है, अगर ये वाला इस साइड मूव होगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इससे दूर नहीं जा रहा है, क्योंकि इस पर एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा है इसे दूर जाना चाहिए, लेकिन ये नहीं मिल रहा है तो ये मूव होगा इस साइड, जबकि ऑक्सीजन है इस साइड, जो हमारा विड्राइंग ग्रुप है वो उस साइड लगा है, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट यहाँ पर हो जाता है, तो इसीलिए प्रोडक्ट नहीं बनता है। यहाँ पर नो प्रोडक्ट लिख सकते हैं आप, नो प्रोडक्ट ये बनता नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला केस, अब हम देख दूसरा केस क्या आ जाएगा हमारा, सिर्फ यहाँ पर ये हो जाएगा ये सेकेंड, व्हेन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डी इज प्रेजेंट ऑन द टर्मिनल कार्बन, यहाँ पर सिर्फ चेंज होगा टर्मिनल कार्बन ऑफ द डाइन। तो अब ये डाइन है हमारा, अब यहाँ पर हम लगाएं टर्मिनल कार्बन, यहाँ पर डोनेटिंग ग्रुप जो हमारा टर्मिनल कार्बन पे डोनेटिंग ग्रुप हमारा ये हो जाएगा। तो अब यहाँ पर भी दो प्रोडक्ट बनेंगे, पहला अगर हम इसी को ऐसे ही बनाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पर और ये वाला यहाँ पर, और दूसरा जो हमारा बनेगा इसको हम जब घुमा कर बनाएंगे ये ऊपर जाएगा तो ये पोजीशन यहाँ पर आएगी। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ आएगा यहाँ पर, तो इसका आप नाम दे सकते हैं 1-2 प्रोडक्ट, और इसे कहते हैं 1-3 प्रोडक्ट, जिसे आप कहते हैं पैरा, और यह है हमारा ऑर्थो। ये वाला फॉर्म बनता है, ये वाला नॉट फॉर्म नहीं बनता है। ये या तो अब हम इससे क्या कह सकते हैं कि आर्थो और पैरा बनता है और मेटा वाला नहीं बनता है। अब हम इसका भी एक एग्जांपल देख लें कि ये क्यों बनता है और ये वाला क्यों नहीं बनता है। ये क्यों नहीं बनता है, इसका तो आपने वहाँ तक देख ही लिया है, अब इस केस में क्यों नहीं बनता, जबकि डी
डोनेटिंग ग्रुप जो हमारा वो टर्मिनल पर है, तो इसका भी हम एग्जांपल देख लेते हैं। ये रहा हमारी डाइन, से लगा हुआ यहाँ पर ओ और इधर ये सी एच थ्री, ये हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इसके पास लोन पेयर दो हैं, मैं एक दिखा रहा हूँ अभी, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पहले मैं इसको ऊपर करके दिखा रहा हूँ ताकि ये बनने वाला जो पहले ये सी डबल बॉन्ड ओ एच, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो करा कर देखें जो हम इमेजिन कर रहे थे, तो वो यहाँ से यहाँ पर होगा। अब इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, तब ये इलेक्ट्रॉन का इधर मूव करेगा। अब जब इधर मूव कर रहा है तो ये वाला इधर मूव करेगा, ये बॉन्ड इस साइड, ये वाला फिक्स रहेगा, ये वाला इधर मूव कर जाएगा, और ये वाला बॉन्ड इधर मूव करेगा, और ये इस तरफ मूव कर रहा है, ये यहाँ पर मूव हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर हाइपोथेटिकली जो हमारा ट्रांजिशन स्टेट बनेगा हम उसको देखते हैं। यहाँ पर आएगा डबल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड यहाँ पर, और यहाँ से ये ओ, और यहाँ पर डबल बॉन्ड, और इस ऑक्सीजन पर आएगा प्लस, और यहाँ पर आ जाएगा सी एच थ्री। तो अब यहाँ पर क्या होगा, अब इस ऑक्सीजन के पास माइनस है, ये लोन पेयर है, ये इधर मूव करेगा, और ये वाला बॉन्ड इधर मूव करेगा, और ये फिर से ऑक्सीजन के पास वापस हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ये सिक्स मेंबर रिंग यहाँ से बंद हो जाएगी, ये हो गई हमारी। और इसके ऊपर लगा हुआ ये ऑक्सीजन अपना बॉन्ड लेकर अपना प्लस ख़त्म करेगा, ये हो जाएगा सी एच थ्री, और ये बॉन्ड इधर मूव कर रहा है, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड सी, फिर उसके बाद इधर डबल बॉन्ड ओ, और इधर ये एच। हाँ, ये हो गया, ये बनता है आर्थो वाला, ये हमारा आर्थो प्रोडक्ट। अब हम देखते हैं कि ये वाला क्यों नहीं बनता है, तो इसको हम फ्लिप करा कर नीचे करेंगे। ये हमारी डाइन, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये ओ सी एच थ्री, ये रहा हमारा। तो अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर इस तरह से मूव कराएं, इसको इस तरह से, और फिर इसको इस तरह से, अब यहाँ पर मूव होगा ना, तो अब ये इलेक्ट्रॉन फिर से यहाँ पर मूव हो जाएगा, ये ऑक्सीजन के पास नहीं आ रहा है, जो हमारा विड्रॉइंग ग्रुप है उसके पास नहीं आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन वहाँ पर जा रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट नहीं बनता है, नो प्रोडक्ट। तो ये हो गए, अब इसके कुछ एग्जांपल हम और देखते हैं। तो ये रहा हमारा ये दूसरा एग्जांपल, तो इसको अब हम देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का यहाँ था, अगर यहाँ पर ये एन के पास लोन पेयर है, अब ये अपना लोन पेयर यहाँ से देकर यहाँ पर इस तरह से बॉन्ड बनाए, और ये बॉन्ड इस तरह से यहाँ घूमेगा, अब ये बॉन्ड यहाँ पर यहाँ घूमेगा, और ये स्पाई बॉन्ड इधर जाएगा। अब ये नाइट्रोजन, ये सी एन जो हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये बॉन्ड इधर घूम जाएगा, तो यहाँ पर आएगा माइनस। और इस वाले एन पर आएगा प्लस, और यहाँ पर ये दो बॉन्ड ऐसे रहेंगे। तो ये हमारा हाइपोथेटिकल है, अब ये बॉन्ड इस साइड मूव हो, और ये इस साइड मूव हो, और ये फिर से ये नाइट्रोजन ले ले, तो सभी बैलेंस हो जाएंगे फिर से। ये बन जाएगी हमारी सिक्स मेंबर रिंग, और ये इधर से ये सिंगल बॉन्ड सी, और ये ट्रिपल बॉन्ड एन, और ये हो जाएगा हमारा सिंगल बॉन्ड ये एन, इसके पास ये लोन पेयर इसका वापस। तो ये हो गया हमारा आर्थो प्रोडक्ट, यहाँ पर ये रहेगा, ये वाला बनता है। और जो नहीं बनता है मैं उसको इसमें नहीं दिखा रहा हूँ, अब इसको घुमा करके आप करा सकते हैं। ये हो गया हमारा ये आर्थो प्रोडक्ट। अब हम जैसे कि अभी हमने एक्सो इंडो स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ लिया है, अब इसमें आर्थो पैरा पढ़ लिया है, तो अब सबको मिक्स करते हैं। जैसे कि अब हमारा यहाँ पर आर्थो प्रोडक्ट है, ये हमारा आर्थो प्रोडक्ट बनता है, अब हम इसकी एक्सो दिखाएं या फिर इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री दिखाएं, तो यहाँ पर दिखाते हैं, यहाँ तक ये क्वेश्चन हो गया। तो अब हम इसको क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, इसमें मिक्स करते हैं इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री। अब इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री किस तरह से दिखा सकते हैं आप, वो देखिए। तो जो हमारा ये डाइन से लगा हुआ आउटसाइड जो ग्रुप भी डाइन से हमारा आउटसाइड जाता है, वो हमारा जाता है नीचे की साइड,
तो ये रहा हमारा आयन, ये जाएगा नीचे। और ये डायनोफाइल ये लगा हुआ बाहर की साइड है, ये अभी बाहर की साइड है ना, ये सी एन बाहर की साइड, तो ये जाएगा ऊपर की साइड, तो ये हो जाएगा सी ट्रिपल बॉन्ड यन, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड। तो अब हम एक्सो एंडो जिस रिंग में देखते हैं उस रिंग को हम यहाँ पर बनाएं, इस तरह एक्सो एंडो हम देखने में ज़्यादा आसानी होती है। तो अब यहाँ पर हो जाएगा हमारा ये डबल बॉन्ड, और यहाँ लगा हुआ ये सी एन, और ये लगा हुआ है ऊपर की साइड, तो ये ऊपर की साइड यहाँ हो जाएगा सी एन, तो ये वाला हो जाएगा हमारा एक्सो, ये वाला हो गया हमारा एक्सो। लेकिन अब हम अगर इससे दूसरा एंडो वाला प्रोडक्ट बनाएंगे तो वो कैसा बनेगा हमारा, ये वाला तो नीचे ही जाएगा सी एन, एंडो कैसे बनेगा जब हम इसको फ्लिप करा के इस सी एन को अंदर की साइड करेंगे, तो जब सी एन अंदर की साइड आएगा तो यहाँ से जाएगा ये सी एन नीचे की साइड, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा सी एन, और यहाँ पर हमारा है एन। इसको भी हम उस तरह से बनाएं, तो ये हमारा आ रहा है इधर नीचे की साइड, ये सी एन, तो ये वाला हो जाएगा हमारा एंडो। ये आर्थो प्रोडक्ट बनेगा ही, लेकिन अब उसमें मेजर प्रोडक्ट हम एंडो एंड एक्सो से देखेंगे, ये हमारा एक्सो हो गया, ये हमारा एंडो हो गया। तो अभी यहाँ पर देख रहे हैं इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री हमेशा एक्सो की जो होगी, इन दोनों की स्टीरियो केमिस्ट्री हमेशा होगी ट्रांस, और जो हमारा एंडो की इन दोनों की स्टीरियो केमिस्ट्री होगी आर्थो वाली की होगी सिस, ये होगी ट्रांस और ये होगी सिस। और ये इस तरह से भी हो सकता है, और इसके आप दूसरी तरह से भी बना सकते हैं, जैसे कि क्वेश्चन में अगर ये ऑप्शन दिया हो, अगर ये ना दिया हो इसका दूसरा ऑप्शन दिया हो, तो वो किस तरह से दिया जा सकता है, जैसे कि ये नीचे वाला है इसको ऊपर दिया हो, ये हो जाए हमारा एन, ये हो जाएगा ये, और ये ऊपर वाला है ये नीचे की साइड हो जाए, ये हो जाएगा सी एन। ये ऐसा क्यों हो रहा है, जैसे कि हमारा कोई भी मालिक्यूल इस तरह से है, इसके ऊपर एक सी एन है, एक ऊपर सी एन है और नीचे एन है, लेकिन अगर आप इसी मालिक्यूल को इस तरह से घुमा देंगे तो वो जो नीचे था वो ऊपर हो गया, जो ऊपर था वो नीचे हो गया, तो वही हो रहा है इसमें। तो ये दोनों आपस में सेम है, इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, जैसे कि ये नीचे जा रहा है ये ऊपर जा रहा है, ये ट्रांस है, तो ये ऊपर जा रहा है ये नीचे जा रहा है, तो ये भी ट्रांस है। और इसको भी आप इस तरह से बना सकते हैं, किस तरह से, अगर ये दोनों नीचे जा रहे हैं तो इसको दोनों आप ऊपर बना सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा एन और ये हो जाएगा हमारा सी एन, ये दोनों आपस में हमेशा सिस होने चाहिए। तो अब देख लेते हैं इंट्रा मालिकुलर डायल सेलर रिएक्शन। तो इसमें क्या है, इंट्रा मालिकुलर डायल सेलर रिएक्शन में जैसे कि हमारा एक ही मालिक्यूल होगा उसमें डाइन भी होगी और उसी में डाइन होगी, जैसे अभी तक हम देखते हुए आ रहे हैं डाइन अलग होती थी हमारी और डायनोफाइल जो होता था वो हमारा अलग होता था, और लेकिन इस केस में क्या होगा, हमारी डाइन और डायनोफाइल दोनों एक ही मालिक्यूल में होंगे, बस थोड़ी सी दूरी पर या इधर उधर होंगे, जैसे कि वही डिफिनीशन है इसकी, व्हेन डाइन एंड डायनोफाइल आर नॉट पार्ट ऑफ तो इसकी डिफिनीशन है यही, व्हेन डाइन एंड डायनोफाइल आर पार्ट ऑफ द सेम मालिक्यूल देन सच टाइप ऑफ मालिक्यूल गिव्स डाइल्स एल्डर रिएक्शन नोन एज इंट्रा मालिक्यूलर डाइल्स एल्डर रिएक्शन। तो इसका एग्जांपल देखते हैं हम, तो इसका एग्जांपल तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, ये है, तो ये ऑल ये हमारी दिख रही है एकदम डाइन की तरह, ये हमारी डाइन है और ये है हमारा डाइनोफाइल, तो अब यहाँ से ये रिएक्शन कैसे होगी, बस कुछ नहीं है वैसे ही होना ही है, ये इधर घूम जाएगा, ये बाण इधर घूमेगा और ये इधर घूम जाएगा, तो इसकी रिएक्शन हो जाएगी इस तरह से, ये सिक्स मेंबर रिंग दोनों फ्यूज हो जाएगी।
तो डबल बॉन्ड एक यहाँ पर आ जाएगा, ये हो जाएगी हमारी इंट्रा मालिकुलर डाइल सेल्डर रिएक्शन। तो मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ, उसको हम कर लेते हैं जिससे प्रैक्टिस हो जाएगी थोड़ी सी इंट्रा मालिकुलर डाइल सेल्डर रिएक्शन की। तो चलिए अब इंट्रा मालिकुलर पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है, देखिए ए 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो पहला स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्या है मैं पहले वो समझा दे रहा हूँ। ये देखिए ये हमारी ये हमारी डाइन है, यहाँ से ये यहाँ तक ये डाइन है और इधर ये 1, 2, 3, 4 फोर मेंबर रिंग इधर है, 1, 2, 3 ये 4, जब इधर बनेंगे तो वो 5 हो जाएगी और इधर ये हमारा ये वाला है ये डाइनोफाइल। अब ये देखिए इस बॉन्ड को आप इस रिंग में इसको जब आप इधर घुमाएंगे तो इधर ये इधर से बॉन्ड बनेगा, तो इधर 1, 2, 3, 4, 5 मेंबर रिंग बन जाएगी और ये इधर ओके ये बॉन्ड इस साइड मूव हो जाएगा और ये बॉन्ड इस साइड मूव हो जाएगा। तो हमारा क्या बनेगा, तो इधर जब ये मूव होगा तो ये इस तरह से बन जाएगी। तो इधर ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये 6 मेंबर रिंग बन रही है और ऊपर ये वाली 1 और ये 2 और ये 3 ये 4 ये 5 एक 6 मेंबर रिंग और उसी से जुड़ी हुई है 5 मेंबर रिंग। तो ये हो जाएगा हमारा इस तरह से, ये 6 मेंबर रिंग हमारी ऐसे, ये बॉन्ड इधर घूम रहा है तो ये डबल बॉन्ड एक यहाँ पर आ जाएगा और फिर यहाँ से लगा हुआ ये 5 मेंबर रिंग यहाँ पर बनेगी, ये बनेगा हमारा इससे प्रोडक्ट। अब हम देखते हैं इस वाले से, तो इस वाले केस में 5 मेंबर रिंग बनी थी और इस वाले केस में सिर्फ 6 मेंबर रिंग बनेगी, वही ये बॉन्ड इस साइड मूव होगा, ये बॉन्ड इस साइड मूव होगा और ये बॉन्ड इस साइड, जब ये इस साइड मूव होगा तो यहाँ से एक बॉन्ड बनेगा और ये इस साइड मूव होगा तो यहाँ पर एक बॉन्ड बनेगा और ये इस साइड मूव होगा तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड बनेगा। तो देखिए अब ये 6 मेंबर रिंग है और इससे जुड़ी हुई ये ऊपर भी 6 मेंबर रिंग है और डबल बॉन्ड यहाँ पर आएगा, ये इस तरह से डबल बॉन्ड यहाँ पर आएगा और यहाँ से एक 6 मेंबर रिंग यहाँ पर बनेगी, ये इस तरह से। तो इसमें डाइन और ये डाइनोफाइल दोनों एक ही मॉलिक्यूल में हैं, तो इसीलिए है हमारी इंट्रा मॉलिक्यूलर डाइल सेल्डर रिएक्शन। अब भैया ये देखिए हमारा ये किस तरह से है, ये इधर ये पूरी 6 मेंबर रिंग है और डाइन का काम करेगा हमारा ये वाला ये और डाइनोफाइल काम करेगा ये, और इधर क्या होगा ये इस बॉन्ड को हम इस साइड मूव कराएं और इसको इस साइड और इसको इस साइड, तो यहाँ से एक रिंग बनेगी ऊपर 6 मेंबर रिंग बनेगी और जब इसको इस साइड मूव कराएंगे तो यहाँ से एक बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर भी 6 मेंबर रिंग बनेगी, तो यहाँ पर 3 6 मेंबर रिंग बनेगी, ये इसे जुड़ी हुई फिर इसके ऊपर ये जुड़ी हुई और यहाँ पर लगा हुआ यानी एच और यहाँ पर आएगा ये डबल बॉन्ड। ये दो हो गई हमारी और यहाँ पर ये दोनों बॉन्ड ऐसे ही है, ये ऐसे ही है और एक डबल बॉन्ड यहाँ पर आ रहा है ये वाला, ये बॉन्ड जब इधर मूव कर रहा है और इसके ऊपर ये इस तरह से और ये यहाँ पर लगा हुआ है यानी एच। और ये फिर इस तरह से, बस ये हो गया इसका प्रोडक्ट। अब हम देखते हैं इसका, अब इसमें दिखानी है हमें इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री भी, ये जो यहाँ पर ये ग्रुप लगा हुआ है, पहले देखिए हमारी डाइन की काम करेगी ये वाला जो हमारा डाइन है और ये वाला जो पोर्शन है ये इसका ये डाइनोफाइल का है, तो ये CO2 CH3 ऊपर की साइड है और ये वाला ऊपर की साइड है, ये दोनों अंदर की साइड है, तो आप इस तरह देखिए ये बाहर की साइड है और ये दोनों अंदर की साइड है, तो इसमें हमें इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री भी दिखानी है। तो इसको इस साइड मूव करेंगे, इसको इस साइड मूव करेंगे और इसको इस साइड, तो यहाँ पर क्या होगा ये एक 5 मेंबर रिंग बनेगी और इधर वाली एक 6 मेंबर रिंग बनेगी, ये एक दोनों से जुड़े होंगे इस तरह से, वन टू थ्री फोर फाइव मेंबर रिंग, ठीक है। अब स्टीरियो केमिस्ट्री दिखानी है ना, तो ये दोनों बाहर की साइड है, तो हम पहले इसको बाहर की साइड दिखा देते हैं, CO2 CH3 ये बाहर की साइड है, अब ये एच नीचे की साइड चला जाएगा, अब यहाँ वाला जो एच है वो अंदर की साइड है, वो भी नीचे की साइड जाएगा और ये वाला वन हमारा इसे देखेंगे आप इसे लगा हुआ ये बाहर की साइड है ना, इसे डाइन ये बाहर की साइड है, तो ये वाला ऊपर की साइड हो जाएगा और यहाँ पर लगा हुआ हाइड्रोजन जो वो नीचे की साइड हो जाएगा। तो अभी मैंने बताया था कि अगर मॉलिक्यूल को इस तरह से देखेंगे ये ऊपर जो है मतलब इस तरह से मान लीजिए CO2 CH3 ऊपर और ये रिंग का एक पोर्शन ऊपर है, लेकिन आप जब इसको इस तरह से फ्लिप कर देंगे जो ऊपर था वो नीचे हो गया और जो नीचे था वो ऊपर हो गया, तो आपको ये प्रोडक्ट भी मिल सकता है
यहाँ पर एक डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड यहाँ पर होगा एक, तो या फिर इसके आप आपको दूसरा प्रोडक्ट ये भी मिल सकता है, जो ऊपर है उसे नीचे कर दें और जो नीचे है उसे ऊपर कर लें, तो ये नंबर डबल बॉन्ड हो जाएगा। अभी इस एच को हम ऊपर कर लेते हैं, यहाँ पर एच नीचे था इसको ऊपर, और ये वाला ऊपर था इसको नीचे। अब यहाँ पर CO2 CH3 नीचे चला गया और यहाँ से एच ऊपर आ गया। अब हमें क्वेश्चन में देखना है किस तरह से प्रोडक्ट बना हुआ है, उसी तरह से हम अपना ऑप्शन चूज़ करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 ये है, तो ये भी हमारी है एक तरह से इंट्रा मालिकुलर डायल सेल रिएक्शन, बस इसको सेट करना है थोड़ा सा। इसको आप पहले हम नंबरिंग कर लें कुछ इस तरह से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं, ये 1, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर ये 9। तो ये हमारी ये डाइन, ये वाला और डाइनोफाइल, ये ऐसे आपको इसको इस तरह सेट करना है कि ये डाइन और डाइनोफाइल जो हमारा सामने आए ताकि वो एक दूसरे से रिएक्शन कर सकें। तो अभी हम यहाँ पर भी नंबरिंग करके मैं दिखाऊँ, ये 1 2 3 5 6 7 8 9। अभी CO2 CH3 को आप पहले इसकी ओरिएंटेशन को अंदर ले लीजिए, CO2 CH3। जैसे कि हमने अभी कुछ देर में पढ़ा था कि जो हमारा अंदर होगा तो एंडो प्रोडक्ट, बाहर होगा तो जैसे किस एंडो एक्सो था, तो उसी तरह से यहाँ पर भी है। पहले हम इस तरह करने के बाद जब CO2 CH3 को हम अंदर की साइड लेंगे तो इस तरह से होगा। जब हम इस तरह से इसको रिएक्शन करेंगे तो ये बॉन्ड इस साइड मूव होगा, और ये इस साइड, और ये इस साइड। तो इसमें क्या होगा, यहाँ से 6 मेंबर ये रिंग बनेगी और ये 5 मेंबर रिंग ऊपर बनेगी। डबल बॉन्ड यहाँ पर आएगा, अब इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री दिखानी हो तो CO2 देखिए, CO2 CH3 अभी अंदर की साइड आ रहा है तो ये जाएगा यहाँ से नीचे की साइड, CO2 CH3 नीचे गया, तो यहाँ पर बाहर क्या लगा हुआ है, H, तो H को ऊपर दिखा सकते हैं। अब इससे बाहर की साइड ये रिंग वाला जो इधर रिंग बन रही है ये भी बाहर की साइड है, तो ये वाली भी ऊपर की साइड हो जाएगी। और इसकी साइड अगर यहाँ पर यच दिखाएंगे आप तो यच यहाँ पर हम दिखा देंगे, इधर नीचे की साइड आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक ओरिएंटेशन, इस तरह से हो जाएगा। लेकिन अभी हम इसको इस तरह से फ्लिप करके करें इस वाली पोजीशन से, और इस वाली पोजीशन को इसको हम घुमा देंगे, जब इसको इस तरह से घुमाएंगे तो ये वाला बॉन्ड इस तरह जो बाहर गया था वो अंदर की साइड इस तरह से आएगा। तो इसमें स्टीरियो केमिस्ट्री देखिए इसकी दिखाते हैं, ये गया अंदर की साइड और ये एक एच यहाँ पर है, तो इन दोनों एच की स्टीरियो केमिस्ट्री कभी कभी पूछता है, तो इन दोनों एच की स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होगी, तो देखिए ये इस साइड जा रहा है और ये इस साइड आ रहा है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो इसमें क्या होगा, इसकी एच इस एच की स्टीरियो केमिस्ट्री तो आपको पता चल गई, ये नीचे जा रहा है इधर नीचे जा रहा है, तो इस दूसरे वाले की स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होगी, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, ट्रांस में है, तो एक नीचे जा रहा है तो ये वाला हो जाएगा ऊपर, इस वाली एच की स्टीरियो केमिस्ट्री हो जाएगी ऊपर। तो मैं बात कर रहा था, अब इसको मैं इसको फ्लिप करूं, ये जो ये बाहर की साइड गया वो इस तरह से ये अंदर की साइड आएगा, फिर जो ये अंदर की साइड आया वो बाहर की साइड जाएगा, फिर इस तरह से, फिर ये जो अंदर की साइड आया वो बाहर की तरह, ये यहाँ पर हो जाएगा इस तरह से। यहाँ तक तो सेम रहेगा ऐसे ही, और ये भी सेम रहेगा ऐसे, ये ऐसे, मैं थोड़ा इसको बड़ा बनाता हूँ। अब देखिए, अब जब इसको आप फ्लिप करेंगे ये वाला अंदर की साइड आएगा, जो ऐसे बाहर था वो अंदर की साइड, ये इस तरह से इस तरह अंदर की साइड आएगा। अब जो ये अंदर की साइड आया तो ये जब इस तरह से बाहर की तरफ जाएगा, जब इसको आप इस तरह से घुमाएंगे ये अंदर की साइड, ये बाहर की साइड जाएगा, तो ये बाहर की साइड इस तरह से ऐसे आएगा, ये वाला हो गया। फिर उसके बाद ये सीधा है तो ये सीधा आएगा। अब ये जो अंदर की साइड था जब इसको घुमाएंगे तो ये बाहर की साइड चला जाएगा, ये हो जाएगा CO2 CH3। तो अंदर की साइड हो जाए, यहाँ पर हो जाएगा H, और यहाँ से ये डाइनोफाइल डबल बॉन्ड। अब ये जो इसका ये एच था ये अंदर की साइड था, जब इसको आप घुमाएंगे तो ये एच यहाँ पर इस डाइनोफाइल की डबल बॉन्ड के साथ, दो हम एच दिखाए थे ये अंदर की साइड था, जब इसको घुमाएंगे आप तो ये एच अंदर था, ये बाहर चला जाएगा, तो ये वाला एच बाहर की साइड, लेकिन ये वाला एच जो था वो अपनी ओरिएंटेशन पर ऐसे ही फिक्स है। तो अब इस वाले केस में हमारा क्या बनेगा,
बॉन्ड को इस तरह मूव करें यहाँ पर, ये यहाँ पर नहीं, डायनोफाइल तो यहाँ पर है ना, जब भी बॉन्ड बनेगा यहाँ पर बनेगा, तो ये बॉन्ड मूव होगा यहाँ पर, ये बॉन्ड मूव होगा यहाँ पर, और ये मूव होगा यहाँ पर। तो ये देखिए 1 2 3 4, तो ये 4 है और ये एक बॉन्ड नया बनेगा तो ऊपर 5 मेंबर रिंग बनेगी। कहने का मतलब ये बनेगा ऐसे ही, तो थोड़ा सा इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री में चेंज आने वाला है, तो पहले वैसे बना लेते हैं। डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा, हाँ। तो अब इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री देखते हैं। ये जब ये जो दोनों ऐसे था तो एक दूसरे के ट्रांस में था, अब ये भी इस साइड है। अब इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री हम देखिए, ये ऊपर की साइड था, तो इसमें हम ऊपर की साइड पहले दिखा देते हैं, क्योंकि अभी इस एच का ओरिएंटेशन कुछ भी नहीं बदला, ये जैसे था वैसे ही है, तो इसको हम जैसे था वैसे दिखा देते हैं। अब यहाँ पर इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री देखते हैं। यहाँ से ये डायनोफाइल जो इसे हम देखेंगे, ये दोनों बाहर की साइड है, एक एच बाहर की साइड है और सी ओ टू थ्री बाहर की साइड है, तो इस एच को हम बाहर की साइड दिखाएंगे, और ये जो सी ओ टू था ये भी हमारा बाहर की साइड आ गया, सी ओ टू सी एच थ्री। अब एच नीचे आएगा, नीचे जाएगा यहाँ वाला, और इस वाली रिंग को अगर आप दिखाना चाहें तो इसको भी आप डॉटर से दिखा सकते हैं, ये भी नीचे की साइड होगी क्योंकि ये इससे अंदर की साइड आ रही है, तो इसे दूसरा प्रोडक्ट हमें ये मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन था, तो इस क्वेश्चन था हमारे, अगर हम इसको इस तरह से बनाएंगे, ये सी ओ टू सी एच थ्री को इस तरह से रखेंगे तो हमारा प्रोडक्ट ये बनेगा, और इन दोनों की स्टीरियो केमिस्ट्री इन दोनों एच की ज़्यादातर पूछता है, ये दोनों आपस में ट्रांस होंगे, लेकिन अगर हम इसको ओरिएंटेशन इस तरह से करके कराएंगे तो ये एच बाहर की साइड, ये दोनों एच आपस में सिस हो जाएंगे। तो अभी हम देखते हैं एक और क्वेश्चन हमारे पास है ये। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इधर आपको ये डाइन दिख रही है और ये डायनोफाइल जैसा है, लेकिन ये इससे दूर है, तो इसको हम घुमा कर पहले इसके पास लाते हैं। तो सबसे पहला काम करेंगे इसको इसके पास लाएंगे, ये ऐसे है, फिर यहाँ पर है हमारे पास यन और टी एस, ये यन है यहाँ पर और यहाँ पर है टी एस, तो देखिए यहाँ तक हम मैंने फिक्स रखा, फिर इस वाले को और इस वाले को मैंने ऐसे दिखाया, फिर ऐसे दिखाया, फिर इस डायनोफाइल को हम इसके सामने ऐसे दिखाते हैं। तो अब क्या होगा, यहाँ पर बॉन्ड का मूवमेंट होकर ये बन जाएगा इधर, ये इधर और ये इधर, तो क्या दिख रहा है आपको, यहाँ से ये बॉन्ड इस तरह से बनेगा, इधर 6 मेंबर रिंग, इधर बनेगा इधर 6 मेंबर रिंग, तो तीन हमारी 6 मेंबर रिंग एक दूसरे से, सभी एक दूसरे से जुड़ी होंगी, ये हो जाएगी हमारी 6 मेंबर रिंग, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड दोनों रहेगा, तो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर ये यन और ये रहा टी एस और ये रहा ये, तो इसका प्रोडक्ट हो जाएगा ये। तो इंट्रामॉलिक्यूलर डाइसल्फाइड रिएक्शन हमारा ख़त्म होता है। तो आज की इस वीडियो में आपके लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।